हेलो क्लास 11th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, राइट। दिस इज आवर चैप्टर फर्स्ट और हम आ चुके हैं लेक्चर 4 पे। लास्ट टाइम हमने साइंटिफिक नोटेशन किया था, सिग्निफिकेंट फिगर किया था, है ना, किस तरीके से हम साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, उसके रूल्स क्या क्या थे ये हमने पढ़ा था। और लास्ट टाइम ये कहा गया था कि आज की क्लास में थोड़े बहुत क्वेश्चंस के हम क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि हमारे दिमाग में वो चीज़ अच्छे से बैठ जाए। ओके, तो स्टार्ट कर दे ज़रा हम, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर दोनों करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन की बात करते हैं, ठीक। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, इनका साइंटिफिक नोटेशन आपको लिखना है। यस, इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एन एन टू 10^n। ओके, हेलो अमन प्रताप। तो यहाँ पे क्या है, साइंटिफिक नोटेशन बताना है इसका किस तरीके से हमने देखा था। सबसे पहले तो ये मान लो कि अगर ये आपको वैल्यू दी गई है तो डेसिमल कहाँ पे होगा, लास्ट में डेसिमल होगा। नाउ वी हैव टू जस्ट शिफ्ट दिस डेसिमल। अब ध्यान ये देना है कि हम इस डेसिमल को किस साइड शिफ्ट कर रहे हैं। तो जब हम इस डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितने टाइम्स हमने इसको शिफ्ट किया, 12 टाइम्स हमने इसको शिफ्ट किया है। सो इट विल बिकम 5.284 × 10^12। पावर जो है वो प्लस का 12 आएगा। याद रखिए, जब भी हम डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो पावर कैसी हो जाती है, पावर पॉजिटिव हो जाती है, ठीक। अब इसकी बात करें जरा, तो देखो डेसिमल जो है वो इसमें लगा हुआ है और पावर में भी यहाँ पे वैल्यू दी गई है, तो क्या इसको एज इट इज छोड़ दें, तो आंसर है नो। यस, 5.28 × 10^12। यस, वेरी गुड अमन। अब यहाँ पे देखिए सेकंड को हम क्या करेंगे, हमेशा रिप्रेजेंटेशन होता है एन इन टू 10^n, और ये जो n है ना ये सिंगल डिजिट है, ठीक है। तो हमेशा अगर साइंटिफिक नोटेशन की बात की जाती है तो सिंगल डिजिट में उसको हमको लिखना होता है। इस डेसिमल को हम शिफ्ट करेंगे 1, 2, 3। कितने से शिफ्ट किया हमने, 3 से शिफ्ट किया, तो ये कितना हो जाएगा, 5.5782 × 10^3। 3 से शिफ्ट किया है तो 5 + 3 = 8 हो जाएगा। सेकेंड वाले का कितना हो जाएगा साइंटिफिक नोटेशन, 5.5782 × 10^8। थर्ड वाले की बात करते हैं, इसको शिफ्ट करें जरा हम, 1, 2, 2 से हमने इसको शिफ्ट किया, ये क्या बन जाएगा, 4.235 × 10^-3, और 2 से शिफ्ट किया तो प्लस का 2 हो जाएगा। 2 से शिफ्ट किया हमने तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, राइट। सो इट विल बिकम 4, क्या बनेगा यहां पे, 4.235 × 10^-1, ठीक है, 4.235 × 10^-1। इसकी अगर हम बात करें तो यहां पे देखिए ये जो डेसिमल है, नाउ वी हैव टू शिफ्ट डेसिमल ऑन राइट हैंड साइड। डेसिमल को हमें कहाँ पे शिफ्ट करना है, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितना शिफ्ट करेंगे हम, 7 टाइम्स इसको शिफ्ट करेंगे। सो ये बन जाएगा 4.512
इंटू 10^-7। कितना आ जाएगा? 10^-7। क्यों? क्योंकि हमने डेसिमल को राइट हैंड साइड शिफ्ट किया है। डेसिमल को राइट हैंड साइड शिफ्ट करते ही पावर नेगेटिव हो जाती है, लेफ्ट साइड शिफ्ट करते ही पावर पॉजिटिव हो जाती है। ओके, सो यहाँ पे तो 4.512 × 10^-7 आएगा, राइट? अब इसकी बात कर ले तो ये भी नॉर्मल ही है, इसको हम शिफ्ट करेंगे 1, 2, तो ये हो जाएगा 2.352897 × 10^2। ठीक है, ओके, वेरी गुड अमन। तो ये कुछ इस तरीके से हम साइंटिफिक नोटेशन को करेंगे। अगर ऑलरेडी इस फॉर्म में दिया हुआ भी है तो हमको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि साइंटिफिक नोटेशन हमें इस टर्म में लिखना होता है, एंड वेयर एन इज अ सिंगल डिजिट। ठीक है, एन क्या है यहाँ पे? सिंगल डिजिट है, राइट? चलिए अब जरा हम साइंटिफिक नोटेशन के बाद क्या करेंगे हम? यस, सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चन कर लें। इसके बाद हम सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चन करते हैं। नाउ सिग्निफिकेंट फिगर, तो देखो अगर क्वेश्चन हमारे पास दिया जाए, काउंट करिए ये सब, यस, इन सब का फटाफट से सिग्निफिकेंट फिगर बताइए, कितना होगा कितना नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा इन सब का सिग्निफिकेंट फिगर? तो 400200, 400200, सो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आता है तो इट कंसीडर एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, बट अगर एंड में जीरो आता है एंड इट डोंट हैव अ डेसिमल तो उसको हम एज अ सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं करते हैं, राइट? 4.002 × 10^5, कितने सिग्निफिकेंट नंबर है इसमें? आई एम आस्किंग दैट, कितने सिग्निफिकेंट नंबर है इसमें? यस, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसका? आपने तो साइंटिफिक नोटेशन बता दिया, इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताइए। तो देखो क्या है, इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं करेंगे, किसको कंसीडर करेंगे? इसको। सो 1, 2, 3, 4, ओनली 4 सिग्निफिकेंट फिगर है इसका। सारे रूल्स कल की क्लास में पढ़ाए थे, राइट? इसकी बात करें तो क्या होता है, अगर जीरो लेफ्ट हैंड साइड में है, डेसिमल है, बिना डेसिमल के हैं, लेफ्ट हैंड साइड के जीरो को कंसीडर हम नहीं करते हैं। ठीक है, अगर जीरो लेफ्ट हैंड साइड में है, डेसिमल के साथ में है, या फिर बिना डेसिमल के साथ भी है, तो भी हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा अगेन? 1, 2, 3, 4। सो 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसकी अगर हम बात करें, ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट बताइए। अब देखो इन दोनों जीरो को हम कंसीडर नहीं करेंगे, राइट? इन दोनों जीरो को हम कंसीडर नहीं करेंगे, बट ये जो दो जीरो है, 2 and 6, व्हाट इज 2 and 6? 2 किसका है? यहां पे देखो, इन दोनों जीरो को कंसीडर नहीं करेंगे, बट ये जो दो जीरो हैं, ये डेसिमल के बाद वाले हैं। ये जो दो जीरो हैं, ये डेसिमल के बाद वाले हैं, और जब डेसिमल के बाद जीरो आता है ऑन राइट हैंड साइड तो उसको कंसीडर हम करते हैं। ठीक है, ओके, सेकेंड का 4 है एंड थर्ड का भी 4 है। यस, थर्ड का भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। नाउ इसकी बात अगर हम करें 0052 00, 0052 00,
इसका क्या कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर? 005200। तो देखो 00 को तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, वो लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड के तो किसी जीरो को हम कंसिडर नहीं करते हैं। अब राइट हैंड साइड में भी दो जीरो है, बट यहाँ पे कहीं डेसिमल हमें नहीं दिख रहा। अगर डेसिमल होता तो वी विल काउंट द राइट हैंड साइड जीरोस, बट इफ देयर इज नो डेसिमल तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। फोर्थ का फोर्थ, फोर का फोर नहीं है, फोर का सिर्फ टू है, सिर्फ इसको हम कंसिडर करेंगे, ओनली टू सिग्निफिकेंट फिगर। अभी बताया ना पूरा एक्सप्लेनेशन क्यों इसका सिर्फ टू सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि देखो डेसिमल अगर नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में अगर जीरो डिजिट प्रेजेंट होता है तो उसको वैसे ही काउंट नहीं करते, चाहे डेसिमल हो चाहे डेसिमल नहीं हो। लेकिन अगर नॉन जीरो डिजिट के राइट हैंड साइड में जीरो प्रेजेंट होता है तो उसको हम तब काउंट करेंगे जब यहां पे कहीं डेसिमल प्रेजेंट हो। ठीक है, डेसिमल के बाद अगर जीरो आता है तो उसको काउंट करेंगे, इफ देयर इज नो डेसिमल सो इट विल नॉट कंसीडर अंडर द सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? ओनली टू सिग्निफिकेंट फिगर। अमन आपको समझ में आया? अब देखो इसको अगर हमें काउंट करना होगा तो फिफ्थ का ओनली वन, अगेन रॉन्ग है। फिफ्थ का ओनली वन कैसे हो जाएगा? फिफ्थ का ओनली वन कैसे हो जाएगा? देखो सबसे पहले देखो नॉन जीरो डिजिट के बाद जीरो है, ठीक है, फिर बाद में क्या है, नॉन जीरो डिजिट के बाद जीरो है, फिर डेसिमल के बाद भी तो जीरो है, तो डेसिमल के बाद वाले जीरो को तो हम काउंट करेंगे, सो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा वो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसके? थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, कोई बात नहीं, अगर ये आपकी फर्स्ट क्लास है तो ऑलरेडी थ्री लेक्चर्स इस चैप्टर पे आ चुके हैं, आप उनको देख लीजिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके अमन, नाउ 60 एप्पल। जब भी हमें कोई परफेक्ट नंबर दिया जाता है, याद रखिएगा, जब भी हमें कोई परफेक्ट नंबर दिया जाता है तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता है? इनफाइनाइट। ठीक है, इनमें से कोई भी ऐसा परफेक्ट नंबर नहीं था। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर परफेक्ट नंबर है कोई तो क्या हो जाता है, उसका सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट हो जाता है। ये हमने फिफ्थ रूल में पढ़ा था, टोटल पांच रूल हमने पढ़े थे कल की क्लास में, राइट? तो ये इसके क्या हो जाएंगे, क्या है ये, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, चलिए अब कुछ ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, सिग्निफिकेंट फिगर एंड साइंटिफिक नोटेशन। अब हम बात करते हैं राउंड ऑफ की। ठीक है, अब किसकी हम बात करने वाले हैं? राउंड ऑफ। तो हेडिंग डालिए राउंड ऑफ कैसे करेंगे हम। तो राउंड ऑफ करने के तीन रूल हैं, कौन कौन से तीन रूल हैं? सबसे पहला राउंड ऑफ डिजिट हमें चेक करना है, ठीक है, कि जो लास्ट डिजिट है वो मोर देन फाइव है कि नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा, इफ राउंड ऑफ इज मोर देन फाइव, ठीक है, राउंड ऑफ डिजिट इज मोर देन फाइव, देन इट्स प्रायर डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय वन, देन इट्स प्रायर डिजिट टू बी इस प्रायर डिजिट इज मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय वंस, इज मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय वन। अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, अगर हमारे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ 5.656 ग्राम, हमारे पास ये है, क्या लिखा गया हमारे पास 7.656 ग्राम कोई चीज है। ठीक है, लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, 6 इज मोर देन 5, तो इसको राउंड ऑफ करके हम क्या लिख देंगे, इसका हम राउंड ऑफ करते हैं, इट इज इट इंक्रीज्ड बाय 1, तो ये क्या बन जाएगा 7.66 ग्राम, ये इसका क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा। फर्स्ट रूल समझ में आया क्या है, अगर लास्ट डिजिट जो है वो मोर देन 5 होता है,
ठीक है, तो उसके पहले वाला एक डिजिट, उसके प्रायर वाला एक डिजिट जो है वो वन से इंक्रीज हो जाता है, सिंपल। तो ये जो है ये वन से इंक्रीज हो जाएगा, सो इट विल बिकम 7.66 ग्राम। क्लियर? नेक्स्ट 8.129, ठीक है, ग्राम। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8.13 ग्राम। ठीक है, कितना बन जाएगा ये 8.13 ग्राम। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आया फर्स्ट रूल जो है वो समझ में आया? एंड ये तो था जब मोर देन 5 होगा तो। अब क्वेश्चन आता है कि अगर लेस देन 5 हुआ तो क्या करेंगे, इसको नोट डाउन करो, फिर हम लेस देन 5 के लिए देखेंगे। ठीक है, सेकेंड है इफ राउंड ऑफ इज लेस देन 5, ठीक है, देन इट्स प्रायर डिजिट, देन इट्स प्रायर डिजिट कीप एज सच। तो उससे पहले वाली जो डिजिट होगी उसको एज इट इज रख देंगे। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे क्या हो जाएगा, इज वेट प्रायर डिजिट केप्ट एज सच। इसका क्या मतलब है, अगर जो लास्ट डिजिट है, ठीक है, अगर लास्ट डिजिट 5 है, वी कैन से 5 से कम है, अगर लास्ट डिजिट क्या है लेस देन 5 है, सो जो उसके पहले वाली एक डिजिट होगी ना वो एज सच हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे समझेंगे हम, यहां पे दिया जाएगा हमको 7.283, ठीक है, क्या है यहां पे 4.283, ये हमको दिया गया है। ठीक है, क्लास शेड्यूल, ओके आई विल टेल आफ्टर द क्लास, ठीक है, जैसे क्लास ओवर होने वाली होगी तब मैं आपको बता दूंगी। ओके अभी यहां पे फोकस करिए, 4.283 है, सो 4.283 लास्ट डिजिट क्या है यहां पे इसकी, लास्ट डिजिट इज लेस देन 5, तो लास्ट डिजिट अगर लेस देन 5 है सो इट्स प्रायर डिजिट की केप्ट एज सच, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसके पहले वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा। राउंड ऑफ करके हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, 4.28। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर रहने दो, ग्राम में है तो ग्राम में रहने देंगे, लेकिन कोई भी चेंज नहीं होगा। कब कोई चेंज नहीं होगा, जब लास्ट डिजिट इज लेस देन 5 होगा। क्या कहा, जब लास्ट डिजिट लेस देन 5 होगा तो इसके प्रायर डिजिट में से पहले वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज हम इसका क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। एक और क्वेश्चन कर ले इस पे, एक और क्वेश्चन यहां पे है 2.5813, ठीक है, 2.5813 ग्राम ये है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे यहां पे, लास्ट डिजिट इज लेस देन 5, ठीक है, लास्ट डिजिट इज लेस देन 5, तो इसको हम एज इट इज रख देंगे। क्लियर? सो इट विल बिकम 2.581 ग्राम। क्लियर है, 2.581 ग्राम, ओके, यस 2.581 ग्राम, वेरी गुड। ठीक है, थर्ड रूल क्या होगा, अभी हमने देखा कि व्हेन मोर देन 5 है तो क्या चेंजेस आने हैं, व्हेन लेस देन 5 है तो क्या चेंज आने हैं, अगर लास्ट डिजिट एग्जैक्ट 5 होगा। क्या कहा, अगर लास्ट डिजिट एग्जैक्ट 5 होगा सो व्हाट वी विल डू, थर्ड रूल, थर्ड रूल पे आओ फटाफट से। थर्ड रूल क्या है, इफ लास्ट डिजिट इज 5, अगर लास्ट डिजिट 5 है तो हमें चेक करना है कि उसकी प्रायर डिजिट क्या है। ठीक है, इफ लास्ट डिजिट इज इक्वल टू 5, देन वी हैव टू चेक इट्स प्रायर डिजिट। तो उस हमें क्या करना पड़ेगा, उससे पहले वाला डिजिट चेक करना पड़ेगा। इफ प्रायर डिजिट इज इवन, अगर उसे पहली वाली डिजिट कैसी है, इवन है, ठीक है, इफ प्रायर डिजिट इज इवन
देन इवन देन केप्ट एज सच, तो हम उसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे. बट इफ प्रायर डिजिट इज ऑड, इफ प्रायर डिजिट इज ऑड देन वी, इफ प्रायर डिजिट इज ऑड देन वी इंक्रीज इट बाय वन. हम उसको क्या करेंगे, वन से इंक्रीज कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल 3.485 ये दे रखा है हमको, ठीक है. आंसर बताइए, 3.485 हमारे पास गिवन है, ठीक है. ये ग्राम में ले लिया हमने. लास्ट डिजिट क्या है, 5 है. इसके पहले वाली डिजिट क्या है, इवन है. इसके पहले वाली डिजिट क्या है, इवन है, तो हम इसको एज सच रख देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे. इट विल बिकम 3.48 ग्राम, ठीक है. क्या बन जाएगा, 3.48 ग्राम बन जाएगा, राइट. अब हम बात करते हैं 5.775 सेंटीमीटर. क्या दिया हुआ है, 5.775 सेंटीमीटर. अब देखो लास्ट डिजिट तो 5 है, बट उसे पहले वाली डिजिट क्या है, ऑड है. उससे पहले वाली डिजिट क्या है, ऑड है. सो व्हाट वी विल डू, वी जस्ट इंक्रीज दैट ऑड नंबर बाय 1. सो इट विल बिकम 5.78 ग्राम. क्या बन जाएगा, 5.78 ग्राम बन जाएगा. इस तरीके से हम इसको राउंड ऑफ करेंगे. तो आई होप कि तीनों रूल्स आपको समझ में आए होंगे. लेट्स डू सम क्वेश्चन, ओके. इसको नोट डाउन करिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस इस पे प्रैक्टिस करते हैं, राइट. ओके, सो राउंड ऑफ फटाफट से इसके आंसर बताइए. यस, इन सब के क्या क्या आंसर्स होंगे ये बताइए. इन सब के क्या क्या आंसर्स होंगे, 2.588 कहां से आएगा यहां पे, 2.588 कैसे हो जाएगा, मोर देन 5 है ना, तो सिर्फ इसमें चेंज करेंगे हम, दैट्स इट, और तो कुछ नहीं करेंगे. ये बन जाएगा 2.59 सेंटीमीटर, ठीक है. सेकंड वाला दिख नहीं रहा, इट्स रुपीज 58.355. सेकंड वाला है रुपीज 58.355, क्लियर. तो इसको कैसे करेंगे हम, सेकंड वाले का आंसर बताओ. यस, 2.59 ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर है. सेकंड का आंसर क्या होगा, लास्ट डिजिट इज 5 है ना, और उसके प्रायर डिजिट इज आल्सो 5, तो आपने बताया 58.26 क्यों होगा. क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो सुनो, क्वेश्चन है 58.355, सो इट विल बिकम 36, यस, वेरी गुड. इसके पहले वाला बताइए क्या हो जाएगा, इसके पहले वाला क्या होगा, अगर लेस देन 5 है तो क्या हो जाता है, लेस देन 5 है तो 75.84. एज सच हम इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते, अगर लेस देन 5 है तो. यस, 75.84, वेरी गुड. अब इसको क्या करेंगे, अगेन ये बन जाएगा 345.24 ग्राम. हाँ, 75.84 ग्राम, 345.24 ग्राम, यस. एंड द लास्ट वन इज 4587
सेंटीमीटर, नो चेंज। लास्ट क्या होगा, 4, 5, 8 सेंटीमीटर। लो 45.82 कर लो इसको, ठीक है 45.82। अब बताओ 45.82 कर दिया, सो इट विल बिकम 45.8 बिकॉज लास्ट डिजिट इज लेस देन 5, है ना। लास्ट डिजिट अगर लेस देन 5 है तो इससे प्रायर डिजिट एज सच रह जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। क्लियर है ये राउंड ऑफ? यस। अब ना हम इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किस तरीके से लेकर आएंगे वो जानते हैं। क्लियर, एक बार इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। ओके, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आंसर किस तरीके से लेकर आएंगे हम राउंड ऑफ में, ठीक है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, ये देखते हैं। मान लो हमारे पास क्वेश्चन है 15.283, ठीक है 7.52 एंड 6.3, इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। फटाफट से ऐड कर ले हम, क्या हो जाएगा 3, 10, ठीक है और 5, 5, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और एक ही यहाँ पे 2 आ जाएगा, 29.103। एडिशन करने पे ये आ रहा है 29.103। क्लियर, ठीक है। तो क्या ये हमारा फाइनल आंसर होगा? इसका हम फाइनल आंसर किस तरीके से लिखेंगे ये देखिए। सबसे पहले इसमें चेक करो कि कौन सी ऐसी डिजिट है जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर है, ठीक है। यस 29.103, बट क्या ये इसका फाइनल आंसर है? ये इसका फाइनल आंसर नहीं है, ये तो हमने ऐड करके लिख दिया। राउंड ऑफ करके इसका आंसर क्या होगा ये हमें जानना है, ठीक है। जब भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्वेश्चन पता है किस तरीके से आता है, कि वो बोलेंगे आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करके पूरा सिर्फ फाइनल आंसर बता दो क्या होगा, ठीक है। वहां पे आप क्या करोगे, एडिशन करने बैठ जाओगे, वहां पे आपको एडिशन नहीं करना होता, आप डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते हो, ठीक है। हाँ यहां पे थोड़ा सा लेट आता है, ठीक है। यस 29.1 क्यों आया है इसका आंसर 29.1, क्योंकि हमें चेक करना है कि इसमें से ऐसी कौन सी डिजिट है जिसमें डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट प्रेजेंट है, ठीक है। जिसमें सबसे कम डिजिट प्रेजेंट होगा वही उस टाइप का उसका आंसर हो जाएगा। तो यहां पे हम ये देख रहे हैं 6.3, यानी कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, तो जो फाइनल आंसर आएगा उसमें भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रहेगा। यस हाँ, सो द फाइनल आंसर इज 29.1, ठीक है। सो यहां पे क्या लिखेंगे, द फाइनल रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन सिग्निफिकेंट फिगर, क्या लिखेंगे, द फाइनल रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, द फाइनल रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट ठीक है ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी डेसिमल, क्या होना चाहिए, डिजिट आफ्टर डेसिमल एज सिग्निफिकेंट शुड बी द लेस decimal digit, the less decimal digit should be the answer, ठीक है। जो less decimal digit होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा final answer हो जाएगा। क्लियर, तो इसमें लेस डेसिमल डिजिट कौन सा है, ये है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। एडिशन में भी यही करेंगे हम और सब्ट्रैक्शन में भी यही करेंगे। क्लियर,
मल्टीप्लीकेशन डिवीजन की बात करते हैं हम, तो मल्टीप्लीकेशन में भी वही होता है और डिवीजन में भी वही होगा, राइट? मल्टीप्लीकेशन में भी वही होगा और डिवीजन में भी वही होगा, क्लियर है? आ गया समझ? एक बार मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कर लेते हैं, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का है। यहां पे अगर हम 15.23, ठीक है, 5.12 और 3. यहां पे नहीं, बस इतना ही है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, 1101, ठीक है? तो फाइनल आंसर इसका क्या रहेगा, यही रह जाएगा इसका फाइनल आंसर। ओके, फाइनल आंसर क्या रहेगा, फाइनल आंसर इसका यही रहेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद दो डिजिट यहां पे अभी भी है, राइट? नाउ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, क्या होगा, किस तरीके से होगा इसका मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ये बताइए। अगर यहां पे है 4.5 × 2.5, क्या दे दिया हमको, 4.5 × तीन डिजिट ले लेते हैं, 2.15 ले लिया हमने, 4.5 × 2.15 क्या आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, क्या आएगा, 9.675, ठीक है? कितना आंसर आ जाएगा इसका, 9.675, बट इसका फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे, ओनली 9.6, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 9.6, ठीक है? क्या चेक करना है, लीस्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल, हियर वी हैव टू चेक लीस्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल, क्या चेक करना होता है, लीस्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल हमको चेक करना होता है, क्लियर? समझ में आया? डिवीजन की बात करें अगर हम, तो यहां पे हमारे पास 72.24 डिवाइडेड बाय 2.0 है, ठीक है? 72.24 डिवाइडेड बाय 2.0, तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये है, बट फाइनल आंसर इज 36.1। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका, 36.1। तो इस तरीके से हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं डाइमेंशनल एनालिसिस की, किसकी बात करने वाले हैं हम, डाइमेंशनल एनालिसिस, राइट? ये टॉपिक यहां पे होता है खत्म, नेक्स्ट टॉपिक है डाइमेंशनल एनालिसिस। क्लियर? डायमेंशनल एनालिसिस। अब डायमेंशनल एनालिसिस है क्या, बेसिकली यहां पे क्या करते हैं, हम यूनिट का कन्वर्जन करते हैं, ठीक है? इट इज यूज टू कन्वर्ट वन यूनिट इनटू अनदर, ठीक है? सो इट इज यूज टू कन्वर्ट वन यूनिट अनदर, ठीक है? इट इज यूज टू कन्वर्ट वन यूनिट अनदर, एक दूसरे की यूनिट में कन्वर्ट करने के ये काम आते हैं। इसको हम फैक्टर लेबल मेथड और यूनिट फैक्टर मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फैक्टर लेबल मेथड ठीक है, क्या बोलेंगे हम, फैक्टर लेबल मेथड, और दूसरा क्या नाम बताया था, यूनिट फैक्टर मेथड, यूनिट फैक्टर मेथड।
इन दोनों के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, इन दोनों के नाम से जाना जाता है, चाहे वो फैक्टर लेवल मेथड से जाना जाता हो, चाहे वो यूनिट फैक्टर मेथड से, और डायमेंशनल एनालिसिस। तो कुछ भी हो सकता है, तीनों नेम आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। देखो, बेसिक कन्वर्जेंस आप लोगों को आते हैं, तो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बताइए, हम किस टाइप का कन्वर्जन जानते हैं, जैसे कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, राइट, ये हमें पता है, ये हमें पता है 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, 1 m³ में 1000 लीटर होता है, क्या कहा, 1 m³ में 1000 लीटर होता है, ये भी हमें पता है, ठीक, और 1 लीटर में 1000 ml होता है, ये भी हमें पता है, पता है कि नहीं पता, 1 लीटर में 1000 ml होता है, 1 cm³ इज इक्वल टू 1 ml, क्या है, 1 cm³ इज इक्वल टू 1 ml। तो इस टाइप के कन्वर्जन का थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन जो है वो अलग होता है, क्या है, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैसा होता है, अलग होता है, किस तरीके से अलग होता है। सो फैक्टर लेवल मेथड कैन बी रिटन एज, इसको नोट डाउन करो, फिर देखेंगे फैक्टर लेबल मेथड को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट, यस, करिए नोट डाउन। नाउ फैक्टर लेबल मेथड, फैक्टर लेबल मेथड कैन बी रिप्रेजेंट एज, जैसे कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है, 1 kg में 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। तो इस तरीके से हम इसका रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से यहां पे हम इसका रिप्रेजेंट करते हैं। हमें बोलना होगा इसका क्या मतलब है कि 1 kg में 1000 ग्राम है, इसका क्या मतलब है 1000 ग्राम में 1 kg है। तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर आया समझ में, एक बुक का क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट 6 inch इंटू सेंटीमीटर, क्या क्वेश्चन है, कन्वर्ट 6 inch इंटू सेंटीमीटर। तो इसी मेथड से हमको कन्वर्ट करना है, 6 inch को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्या जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या जाएगा कि 1 inch में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये तो लिखवाया नहीं, ये तो लिखवाया ही नहीं, 1 cm में कितने इंच होते हैं, या फिर 1 inch में कितने सेंटीमीटर होते हैं, सो 2.54 cm, क्या कहा, 1 inch, 1 inch इज इक्वल टू 2.54 cm, क्लियर। तो 6 inch में कितने सेंटीमीटर होंगे, क्या करेंगे हम, 6 inch इज इक्वल टू, अब इंच का कन्वर्जन किस में है, सेंटीमीटर में। अब क्वेश्चन ये है, सेंटीमीटर ऊपर लिखे कि इंच ऊपर लिखे, कैसे लिखेंगे, अब देखो हम क्या करें, यहां पे 2.54 cm अपॉन 1 inch। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, ताकि इंच से इंच कट जाए, ऐसा क्यों लिखा, ताकि इंच से इंच कट जाए, आपको भी इसी तरीके से लिखना है, क्योंकि हम दोनों मेथड लगा सकते हैं ना, हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो हम उस तरीके से लिखेंगे जिससे जो डिजिट्स हैं, ठीक है, वो तो बनी रहे, लेकिन जो यूनिट है वो कट जाए, क्योंकि फाइनल यूनिट हमको सिर्फ सेंटीमीटर में ही तो लेकर आना है, फाइनल यूनिट हमको किस में लेकर आना है, सेंटीमीटर में लेकर आना है, क्लियर है, फाइनल यूनिट क्या होगा इसका, सेंटीमीटर होगा। नाउ 6 × 2.54 क्या बच गया, अब हमारे पास 6 × 2.54, ठीक है, कर दे मल्टीप्लीकेशन, अब 6 × 4 = 24, ठीक है, 6 × 5 = 30 + 2 = 32, 12, 13, 14, 15, 15.24 cm, कितना आंसर आएगा, 15.24 cm, यस, कितना आंसर आएगा, 15.24 cm, बताइए समझ में आया, ये डायमेंशनल एनालिसिस समझ में आया या फिर नहीं आया, यस जल्दी बताइए, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम, फिर इतना समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने 6 inch को कन्वर्ट किया है सेंटीमीटर में। सबसे पहली चीज जो होती है वो हमें कन्वर्जन आना चाहिए, तो 1 inch इज इक्वल टू 2.54 cm। अब हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं ना,
हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 inch upon 2.54 centimeter और 2.54 centimeter upon 1 inch। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि कब हम ऐसे लिखें, कब हम ऐसे लिखें। तो बेसिक सी बात है, हमें क्या करना है, यूनिट से यूनिट कट करना था, तो इसलिए इसको डिनोमिनेटर में लिखा, ये ऑलरेडी न्यूमरेटर में है। डन, एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड, ठीक है। फिर ये टॉपिक जो है फिनिश हो जाएगा, फिर हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर? चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 days into seconds, क्या कहा, 4 days को सेकेंड में कन्वर्ट कर दो। अब देखो वैसे तो इजी है, बट हमें किसकी हेल्प से करना है, ये डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से ये काम करना है। तो डे को सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्या होता है, 1 day is equal to 24 hour, 1 hour is equal to 60 minute, 1 minute is equal to 60 second। सफिशियंट है इतना। अब हम डे से सेकेंड पे जा सकते हैं। क्या लिखा है पहले ध्यान से देखो, 4 days, अब हमें डेज कट करना है, तो डेज और आर वाला लिखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 24 hour upon 1 day। अब हमें क्या करना है, आर को भी कट करना है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 60 minute upon 1 hour। अब हमें मिनट को भी कट करना है, तो फिर क्या करेंगे हम, लिखेंगे यहां पे 60 second upon 1 minute। बस सिंपल सा था। क्या था यहां पे, सिंपल था, मिनट से मिनट कट गया, आर से आर कट गया, डे से डे कट जाएगा, ठीक है। मिनट से मिनट कट गया, आर से आर कट गया, डे से डे कट गया, ठीक। अब क्या हुआ हमारे पास, क्या बचा हमारे पास, बचा है 4 into 24 into 60 into 60, ठीक है, 60 into 60, तो 36 into 4, 24, 12, 13, 14, 144 into 24, तो 4 4 16, 16 8 17, 4 5, 4 2 8, 4 2 8, ठीक है, एंड 2, कितना हो जाएगा ये, 7 7 14 8 15, और 14 और 3, 3 4 5 6, 3 4 5 6, और लास्ट में जो दो जीरो बचे थे इसके, ये भी तो आएंगे, 3 4 5 6 00, 3 4 5 6 00, कितना आ रहा है, 3 4 5 6 00, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायमेंशनल एनालिसिस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देते हैं, ठीक है, क्लियर है। दो क्वेश्चन क्लास में कर लिए, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देते हैं, ठीक है। क्या है, 5 liter into meter cube, ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, 5 liter into meter cube। तो देखो 1 liter में कितने ml होते हैं, 1 liter is equal to 1000 ml, ठीक है। सिर्फ हिंट दूंगी, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ये आपको होमवर्क में करके लेकर आना। 1 liter, ठीक है, 1 liter is equal to 1000 ml, 1 ml में क्या बताया था, 1 centimeter cube होता है, 1 ml में 1 centimeter cube होता है, बट हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। सो 1 meter cube is equal to 10 raised to the power 6 centimeter cube, समझ में आया, 1 meter cube is equal to 10 raised to the power 6 centimeter cube। अब इतना सफिशियंट है, ठीक है, इतना हिंट सफिशियंट है आपको क्वेश्चन करने के लिए। ऑलरेडी 2 question कर चुके हैं, अगर उसके बाद ये क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, हो जाना चाहिए, ठीक है। इतना हिंट देने के बाद ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, नेक्स्ट क्लास में आप लोग इसका आंसर बताओगे, ठीक है, सॉल्व करके रखेंगे, कॉमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर कर सकते हैं, आई विल चेक। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो आज की क्लास में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है, काफ़ी कुछ प्रैक्टिस किया है, साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, राउंड ऑफ के क्वेश्चन हमने किए हैं, डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, 3-4 topics हमने आज की क्लास में कवर किया, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. क्या करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में हम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. एंड ऑलरेडी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आप नाइन्थ क्लास में पढ़कर आए हो. नाइन्थ को हम किससे रिलेट करेंगे, इलेवेंथ से रिलेट करेंगे. क्या कहा, ऑलरेडी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आप क्लास नाइन्थ में पढ़कर आए हो. दो लॉ आपने पढ़े हैं, इस क्लास में हम क्या करने वाले, तीन एक्स्ट्रा लॉ पढ़ेंगे जो आपने नाइन्थ क्लास में नहीं पढ़ा था. क्लियर, जो कि हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में. और जो हमारी क्लास होती है इलेवेंथ की, देखो इलेवेंथ और ट्वेल्थ की क्लास यहाँ पे क्या होती है, ऑल्टरनेट डेज पे होती है. ठीक है, सो MWF क्लास ट्वेल्थ है. ठीक है, TTHS क्लास इलेवेंथ है. समझ में आया, MWF जो है वो क्लास ट्वेल्थ है और TTHS में क्लास इलेवेंथ है. दोनों का टाइम कितना है, 6 PM है. ओके, दोनों का टाइम हमारा 6 PM है. 6 बजे ही क्लास होगी, चाहे इलेवेंथ की हो चाहे ट्वेल्थ की हो. डेज डिस्ट्रीब्यूट है MWF एंड TTHS, तो अपने क्लास के अकॉर्डिंग आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. नेक्स्ट क्लास हमारी कब होगी, थर्सडे को. ओके, नेक्स्ट क्लास कब है हमारी, थर्सडे को है. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.